योगी सरकार पर फिर हमलावार हुए अखिलेश यादव, इसे बताया बीजेपी की साजिश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावार है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण खत्म कराने की कोशिश बीजेपी की साजिश है। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट के जरिए बीजेपी पर वार किया। उन्होंने लिखा, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश बीजेपी की नकारात्मक राजनीति की विद्रूप साजिश है। बता दें कि कोर्ट के फैसले से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी निराश नजर आए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने इस मामले में सपा को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है, भलाई करने का नहीं। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, सरकार ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के विरोध सरकार अपील करेगी। सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, सपा डूबता हुआ जहाज है। लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब तक जो सीटें ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहती हैं, वो सभी जनरल कैटेगरी में शामिल कर दी जाएंगी। कोर्ट ने भले ही तत्काल चुनाव कराने के आदेश दिए हों, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है, ऐसे में निकाय चुनाव की तारीख आगे खिंच सकती है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।